friends, a very good morning all my dear friends. Today we have an interesting topic that is based on over, above, on the top of. जैसे कि मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स को हमेशा ये चार टॉपिक जरूर कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट करते होंगे. मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम पे फाइट कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि उनके लिए सेंटेंस एरर और क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो हमारा आज का टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, तो कभी किसी को वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी आफ्टर दिस लेक्चर कि उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि हम हाई लेवल से स्टार्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं. जिनको ये भी नहीं पता कि अबव का मीन क्या होता है, ओवर का मीन क्या होता है, उनको भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो ये चार टॉपिक को अबव, ओवर, ऑन, ऑन द टॉप ऑफ, इन चार टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं मेरे सर को इन्वाइट करना चाहूंगी. सो वेलकम सर. सो थैंक यू वेरी मच प्रिया. एंड हाई फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल आर टुडे. सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक किया, और मेरे ख्याल से हमारी जो स्पीकिंग है उसके अंदर ये चार टॉपिक बहुत वर्क करता है. देखिए, हम जब स्पीक आउट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन चार टॉपिक्स के लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजों में आ जाते हैं. जैसे हमें ये नहीं ध्यान रहता हमें अबव का लगाना है, ओवर का लगाना है, ऑन का लगाना है, मगर आज के हमारे लेक्चर के बाद आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी. हम आपको बिल्कुल जैसा आपको प्रिया ने बताया कि हम बिल्कुल बेसिक वे में आपको सब कुछ सिखा देंगे, चाहे आप क्लोज टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे आप एग्जाम्स देना चाहते हैं, चाहे आप इवन स्पीक करना चाहते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप हाउसवाइफ वगैरह हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है. व्हाइल स्पीकिंग आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं. देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं टॉपिक पे चलता हूं डायरेक्ट, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस टॉपिक को जरूर जॉट डाउन जरूर करना, अपनी कॉपीज में लिख लेना, ताकि आने वाला टाइम में कल अगर आपको डिस्कशन करना पड़े तो आपके पास पॉइंट्स हो. तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने टॉपिक पे शुरू करेंगे. प्रिया, आर यू रेडी? यस सर. सो प्रिया, क्या लगता है आपको, जो ओवर और अबव है इनका मतलब तो दोनों का सुपीरियर है, यानी कि ऊपर. तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज ऊंचाई पर दिखानी है, या मोर देन दिखानी है, या हायर देन दिखानी है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अबव कहां लगेगा, ओवर कहां लगेगा. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने अपना एक बार पुराना लेक्चर आप लोगों को दिया था, वो दिया था ईच और एवरी. बहुत कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अपने लास्ट सेशन के अंदर आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट दे दूंगा, ताकि ईच और एवरी को डिफरेंशिएट आप बहुत इजी से कर पाओ और आपको बिल्कुल भी ना प्रॉब्लम आए. मैं ऑलरेडी उस पर आपको लेक्चर दे चुका हूं, मैं सिर्फ लिंक डालूंगा एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर. मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप वो लेक्चर देख लेते हो तो आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, मैं जस्टिफाइड वे में आपको सिखा सकता हूं. तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप प्लीज उसको गो थ्रू होना. चलिए हम अब ओवर को शुरू करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो मैं प्रिया से पूछना चाहूंगा कि प्रिया क्या लगता है आपको, जो वर्ड ओवर है वो फर्स्ट पॉइंट उसके लिए क्या है, कि मतलब क्या दर्शाना चाहता है. ये वर्ड हमने देखा है कि इसके मैंने 7-8 पॉइंट्स लिए हैं, इसका पहला पॉइंट मैंने मूवमेंट से लिया है, तो ये क्या दर्शाना चाहता है, क्या लगता है आपको? सर, इसमें मूवमेंट से कि हमारे ऊपर कोई चीज होती है, ओके, बट वो हमें टच नहीं करती लेकिन मूव करती है. ओके, यू मीन टू से कि एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर से चला गया और मैं दीवार के ऊपर से कूद गया, तो मूवमेंट है ये, राइट? तो जब कभी मूवमेंट हो स्टूडेंट्स, तो आप अबव कभी नहीं लगाएंगे, आप हमेशा ही ओवर लगाएंगे. हम एक बेस्ट एग्जांपल लेकर जाएंगे. प्रिया, क्या आप रीड करोगे मेरे लिए? यस सर. ही जंप्ड ओवर द बॉल. तो आपने नोटिस किया फ्रेंड्स, यहां पर ओवर क्यों आया, क्योंकि मूवमेंट है, ऊपर तो है मगर ऊपर के साथ साथ एक और चीज है, वो है मूवमेंट. अगर कभी मूवमेंट होती है तो हम हमेशा ही ओवर लगाएंगे. चलिए कुछ और जस्टिफाइड एग्जांपल देखते हैं. The clouds move over the village. Okay, the clouds are moving. They are moving above over the village. तो आप notice करो कि अगर ये अगर lingering on होता और अगर रुके हुए होते तो हम यहाँ पर हो सकता है above भी लगाते. मगर अब जो example हम point out करने जा रहे हैं वो particular over सीखने जा रहे हैं, movement सीखने जा रहे हैं. तो obvious है कि हमें इसी के correlation में रहना है कि movement कभी भी होगा, ऊपर से कोई चीज आएगी, आप हमेशा ही over लगाएंगे. ये बात आप फिक्स कर लो अपने ब्रेन के अंदर. फिर क्या लगता है सेकंड पॉइंट, हमारे व्यूअर्स को नंबर्स वर्ड लिखा है, तो क्या नंबरिंग किस तरीके की नंबरिंग, जहां पे मोर देन की बात आ जाए? ओके, यू मीन टू से ये जो एग्जांपल है, ओवर 100 स्टूडेंट्स थ्रो अ पार्टी. देखो थ्रू, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पार्टी देने को पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, दैट इज अ थ्रो. तो थ्रो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है थ्रू, थर्ड फॉर्म इज थ्रोन. तो आप नोटिस करो इस बात को कि पार्टी देने को गिव और टेक मत बोलना कभी भी. कल को आपको किसी को पार्टी देनी है, आप प्लीज आई थ्रू अ पार्टी, आप थ्रो वर्ड यूज करोगे, ना कि गिव अ पार्टी बोलोगे. अंडरस्टूड? चलिए अपने पॉइंट पे चलते हैं. ओवर 100 स्टूडेंट्स थ्रो अ पार्टी. तो आप नोटिस में आए स्टूडेंट्स, आपको यहां पर ओवर 100 स्टूडेंट्स, तो प्रिया ने जैसे आपको बताया ओवर 100 स्टूडेंट्स, तो यहां पर मीनिंग हो गया मोर देन 100 स्टूडेंट्स. तो इट इज मोर देन, which shows that we are having a number. So numbering kabhi bhi ho, more than we want to show, we will always use the word that is over 100 students through a party. Ab aapke dimag mein ek aur baat aayegi students,
वो ये है कि जब मूवी के लिए वर्ड आता है कि भाई अबो 18 ओनली, तो आप नोटिस करो वहां पर क्या है, वहां पर आप कंपैरिजन नहीं करवा रहे हो स्टूडेंट, वहां पर आप जस्टिफाइड एक वर्ड बोल रहे हो, तो बहुत से पर्टिकुलर वर्ड्स के अंदर बहुत सी बातें कॉमन भी रहेगी, डिफरेंशिएट भी रहेगी। तो मैं नंबरिंग के लिए जब आपको मोर देन शो कर रहा है, यू विल यूज अ वर्ड कि इतने से ज्यादा स्टूडेंट्स ने, यहां पर है कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टी दी, इट मींस मोर देन मींस ओवरऑल स्टूडेंट, 100 ऑफ स्टूडेंट्स। तो नोटिस करिए, आप यहां पर ओवर वर्ड ही लगाएंगे, अबव नहीं लगाएंगे। थर्ड पॉइंट, कवरिंग से क्या रिलेशन चल रहा है? जब हम, जैसे कि हमें पता है कि अब विंटर का सीजन है, तो हम किसी ना किसी चीज से अपने बॉडी को कवर करते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। बिल्कुल, वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं। वंडरफुल। तो देखिए मैं आपको एक बात नोटिस करना चाहूंगा कि क्विल्ट का एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। देखिए आई हैव अ क्विल्ट और मैंने अपनी बॉडी को उसको अराउंड कर लिया, ओवर माय बॉडी। तो आई डिड द थिंग वेयर आई यूज द वर्ड ओवर माई बॉडी। तो देखो यहां पर देखो, हमने शॉल का एग्जाम्पल दिया है, शी पुट शॉल ओवर हर शोल्डर्स। तो आप नोटिस करो कि शोल्डर्स के अराउंड उसने क्या किया, अपने शॉल को कवर अप कर लिया। तो प्रोटेक्शन के रूप में या कंप्लीट कवर अप बॉडी में हमने अगर कोई कवरिंग देनी है तो हम यूज करेंगे द वर्ड ओवर। तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रोटेक्शन के रूप में या कंप्लीट कवरिंग अगर आपको शो ऑफ करनी है, यू विल यूज ओनली दैट इज ओवर। चलिए प्रिया, मैं आपसे फोर्थ पॉइंट चाहूंगा और अपने स्टूडेंट्स को गैदर करना चाहूंगा, स्टूडेंट को अवगत करवाना चाहूंगा कि फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट आपको वर्ड दे रहा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किस तरीके का प्रीफिक्स है प्रिया? ये एक्स्ट्रा एंड बियॉन्ड। यू मीन टू से कि ये एक एक्स्ट्रा पर्टिकुलर, ये एक एक्स्ट्रा को दिखा रहा है, यानी कि ज्यादा, मतलब कि हम जितना सोचे उससे ज्यादा वाला प्रीफिक्स में हम ओवर यूज करें। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ओवरवेट, ओवर एस्टिमेट, ओवरवेट, ओवर एस्टिमेट। तो आप नोटिस में लाओ स्टूडेंट्स कि कभी भी ऐसे प्रीफिक्स जो ज्यादा को दिखा रहे हैं, बियॉन्ड को दिखा रहे हैं, यानी कि जितनी उम्मीद है उससे ज्यादा को दिखा रहे हैं, तो आप नोटिस करो एक्स्ट्रा बियॉन्ड दीज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपने दो वर्ड तो सुना होगा फ्रेंड्स, प्रीफिक्स और सफिक्स सुना होगा। प्रीफिक्स हमेशा वो होता है जो पहले आता है, सफिक्स होता है जो बाद में आता है। तो नोटिस में लाओ ये प्रीफिक्स ही क्या, क्योंकि ये पहले है। तो ओवरवेट एंड द वर्ड इज ओवर एस्टिमेट, तो हम हमेशा इसको फर्स्ट में लेकर आ रहे हैं। प्रिया क्या लगता है आपको फिफ्थ सेंस के अंदर क्या वर्ड यूज हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर वर्ड ओवर कॉन्फिडेंस। और फिफ्थ पॉइंट इज इन द सेंस ऑफ अबव। सर, व्हाट इज द पर्टिकुलर मीन ऑफ सेंस ऑफ अबव? देखो प्रिया, यहां पर जो पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी अबव की जगह भी हमें ओवर को यूज करना है, मगर कैसे? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बात सिखाई थी, मैंने कहा था मूवमेंट है और ऊपर से जा रहा है, आप प्लीज ओवर लगा। मूवमेंट नहीं है, चीज रुकी भी है, मैंने आपको लिंगरिंग का एग्जांपल दिया था, क्लाउड लिंगर कर रहे पर्टिकुलर विलेज के ऊपर, आप प्लीज अबव लगाओ। बट अगर कोई चीज 90 डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट आपके ऊपर हो, परपेंडिकुलर ऊपर हो, तो हमेशा हमेशा आप ओवर यूज करेंगे। आप ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं 90 डिग्री परपेंडिकुलर एग्जैक्ट ऑन योर लोकेशन। एग्जांपल देखिए, यहां पर आप नोटिस में लाओ, इन द सेंस ऑफ अबव, एट नून द सन इज ओवर आवर हेड। One more, there was a lamp or the table. तो आप नोटिस करो, when something is exact location 90 degree above, we will use the word that is over. तो is it clear? तो आप हर जगह पर ये बात ध्यान रखोगे कि बहुत जगह ऐसी होगी जहां पर लगेगा आपका मन करेगा आपको यार above लगा देते हैं, मगर बहुत से exceptional rule भी ऐसे आएंगे जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो in the sense of above also over is used. Provided you should know there should be a perpendicular or exact 90 degrees relation, then only you will use the word over, not above. चलिए प्रिया, मैं आपको कह रहा हूँ sixth point हमें क्या कह रहा है, conclusion से related बात चल रही है। In the sense of conclusion, जब हम किसी भी काम करके किसी भी result पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे हम over का use करते हैं। Okay, it, example it's all over with me, अपने कोई से बोला भाई सब कुछ खत्म है, ठीक है भाई last खत्म है, तो इट्स ऑल ओवर, राइट? ऑल ओवर विद मी, ऑल अबव नहीं बोलते, आपने कभी कभी खुद भी बोला होगा, तो आपने कभी ऑल अबव नहीं बोला होगा, आपने वर्ड यूज किया होगा ऑल ओवर, राइट? यस प्रिया। नेक्स्ट इज इन द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। देखिए सुपीरियरिटी की सेंस में मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा ओवर ही यूज करेंगे, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर आया हूं, गॉड ओवर ऑल द ब्लेसेस फॉरएवर मोर। तो कभी भी किसी चीज की सुपीरियरिटी आपको शो करनी है, आप हमेशा हमेशा वर्ड यूज ओवर करेंगे। तो प्रिया लास्ट में मैं पर्टिकुलर एक बात कहना चाहूंगा आपको कि ओवर इज ऑल्सो यूज विद हाउ मेनी पॉइंट्स, किस किस के साथ ओवर यूज हो रहा है? ओवर सर मील्स, फूड, टेलीफोन एंड ड्रिंक। ओहो, ओवर हो गया वो ड्रिंक टेलीफोन, मेरे ख्याल से सोल्जर, अब सोल्जर आर यूजिंग है ना, ओवर एंड आउट सुना होगा आपने, बात कर ली भाई पूरी, ओवर एंड आउट।
और फूड पे भी हम इट्स ओवर ओके ओके सो आपने यूज किया होगा फ्रेंड्स मेरे ख्याल से मील्स टेलीफोन्स और जो भी हम पर्टिकुलर ड्रिंक्स वगैरह में यूज हो रहे हैं दैट इज अ वर्ड ओवर सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपका ओवर का पार्टिशन पूरा हुआ होगा आपने बहुत कुछ सीखा होगा सो प्रिया आपसे एक मिनट बात करना चाहेगी आप समझ गए होंगे किस लिए करेगी तो मैं प्रिया को परमिशन दूंगा प्रिया यू कैन टॉक टू द ऑडियंस एंड देन यू विल गो टू द वर्ड दैट इज अबाउ हेलो फ्रेंड्स सॉरी मैं आपका टाइम ले रही हूँ बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें पता है कि हम आपके लिए बहुत सी वीडियोस लेके आ रहे हैं जिससे आप बहुत बेनिफिट ले रहे हो लेकिन उसके अलावा भी 2 points और है जिससे आप हमसे और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने अपनी कम्युनिटी में 7 days का प्रोग्राम रखा है जो भी यहाँ आना चाहे वो यहाँ आके उसका बेनिफिट ले सकते हैं उनका फूड और उनका रहना खाना सब कुछ उनकी फीस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और जो यहाँ पे नहीं आ सकते किसी भी मजबूरी की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकते वो हमारी बुक्स परचेज कर सकते हैं हमारी बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं अगर वो अपनी इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं तो वो 70 ways ऑफ स्पोकन इंग्लिश परचेज ही कर सकते हैं उससे गो थ्रू हो सकते हैं अगर बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यू शुड परचेज एमआर इंटरव्यू और मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्हें प्रॉपर इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती और वो चाहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमें अवेलेबल हो तो वो ये यूनिवर्सल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन बुक परचेज कर सकते हैं थैंक यू सो फ्रेंड्स फिर से शुरू करें द वर्ड अबव प्रिया आर यू रेडी विद मी सो प्रिया देखिए आज जो टॉपिक है हमारा वो अबव है यानी कि हम ओवर तो समझ चुके हैं अब हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है ओवर देखिए फ्रेंड्स ओवर और अबव ये बड़े कंपैरिजन करेगा एक दूसरे के साथ मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूं अगर मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप सच्ची सिंपल लैंग्वेज में मेरे से समझना चाहें तो देखिए मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए अगर कोई चीज बिल्कुल इसके ऊपर है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर 90 degrees हम ओवर लगाएंगे अगर कोई चीज इस तरीके से ऊपर है किसी से ये देखिए अब परपेंडिकुलर नहीं रहा अब टिल्ट हो गया है वर्टिकल हाइट हो गई है एंड दिस इज अबव आया कुछ समझ में आपके देखिए एग्जैक्ट अबव है तो हम क्या लगाएंगे ओवर अगर एग्जैक्ट अबव नहीं है एग्जैक्ट ऊपर नहीं है हम अबव लगाएंगे अंडरस्टूड द वर्ड चलिए और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं अच्छे से मुझे प्रिया हेल्प करेगी प्रिया फर्स्ट वर्ड हमारा क्या कह रहा है हायर देन मींस व्हिच हाइट इट इज Vertical height, which means what? Not directly over the. तो देखो प्रिया यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि ऊपर तो है कोई चीज एग्जैक्ट ऊपर चल रही है और ये जो भी है बट यहाँ पर जो चीज है वो आप ध्यान से देखिए क्या है वो 90 डिग्री एंगल नहीं है अंडरस्टूड जब कोई चीज 90 डिग्री एग्जैक्ट एंगल नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं वर्ड अबव तो देखिए यहां पर कंपैरिजन दिखाया गया यानी कि मैं बोलूं बादलों से ऊपर आसमान में बादलों से ऊपर एरोप्लेन चलता है यानी कि मैं कंपैरिजन टाइप ऑफ थिंग दिखा रहा हूं कुछ ऊपर चीज एग्जैक्ट ऊपर नहीं है तो हमने वर्ड यूज किया एरोप्लेन देखो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि वन डे मिरेकल एकदम आप समझ जाओगे मगर अगर आप मेरी बेसिक बातों को समझ गए तो ओवर और अबव को आप कभी नहीं भूलोगे प्रिया सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है तो मैं शायद और क्लियर कर पाऊंगा मेरे स्टूडेंट्स को तो देखो ध्यान से हम अगर ये बात कंपैरिजन करें कि 90 डिग्री एंगल नहीं जस्ट एक कंपैरिजन दिखा रहा है कि अबव दिस अगर मैं दो बिल्डिंग्स को कंपेयर करूं दिस बिल्डिंग इज अबव दिस ओवर दिस नहीं होता है तो आप नोटिस में लाओ इस बात को कि डिफरेंस क्या आ रहा है डिफरेंस ये आ रहा है फ्रेंड्स कि परपेंडिकुलर नहीं है वर्टिकल हाइट है आप अबव लगाओगे कंपैरिजन करना है आप अबव लगाओगे आप दिमाग रखिए थोड़ा सा माइंड अपसेट कर लो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे व्हाट अबाउट द थर्ड पॉइंट पर्टिकुलरली More than you mean to say for the age. देखो friends पहले भी age आई थी आपने notice किया था particular मैंने आपको numbering दी थी numbering पर अब मैं आपको age दे रहा हूँ particular आप notice करो मैं differences देखो above 18 only मैंने आपको एक example दिया था वही यहाँ पर मैं आपको example दे रहा हूँ the applicants must be above the age of 18 तो इस तरह comparison है more than that that time we are using above यानी कि जब किसी से comparison चल रहा है हमारा particularly तब हम हमेशा क्या word use करेंगे we will use the word above प्रिया what about the fourth point Beyond the reach of. Okay, and superior to. यानी कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज से बहुत परे बहुत ज्यादा परे यानी कि उस चीज का कोई सुपीरियर तोड़ हो ही नहीं सकता तब हम अबव लगाएंगे देखो ये वर्ड आ रहा है स्टूडेंट सस्पिशन शक जिसको हम शक की नजर से देख सकते हैं तो शी इज अबव सस्पिशन तो मैं इस बात को बहुत अच्छे बखूबी आपको बता सकता हूँ कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इन दिनों पद्मावती मूवी आ रही है हम कह सकते हैं पद्मावती वॉज बियॉन्ड सस्पिशन तो हमने उन लेडी को रेस्पेक्ट दिया शी इज अबव सस्पिशन इट मीन वो संदेह से बहुत दूर है superior to that तो फिर से comparison है तो word we use is above आप notice में डालिए फिर से कि कहाँ मुझे above लगाना है कहाँ मुझे on लगाना है and the word over लगाना है
Yes, Priya. What about the fifth point? Sir, इसमें कुछ और example देके भी समझा दीजिए ताकि मेरे viewers को और ज़्यादा clear हो जाए कि 90 degree के angle में नहीं, अगर थोड़ा सा vertical हो तब हम above का use करेंगे. बिल्कुल, तब हम above का use करेंगे. Not perpendicular, because perpendicular we are already using over. और remaining if perpendicular और 90 degree नहीं है, हम use करेंगे above. Yes, Priya. Next is for a reference point. Yes. So reference किसी particular चीज का हमें reference देना है, जैसे मैं कहूँ above average, above freezing, above expectations, यानी कि यहाँ पर हमें किसी particular reference से above दिखाने, किसी चीज से ऊपर दिखाने, तो हम use करेंगे above average, above freezing point and the word above expectations, expectations से बहुत ज़्यादा, तो आप word use करने वाले हो references points के लिए, अगर आपको दिखाने किसी से higher है, तो आप इन words को particular use करोगे. प्रिया आप क्या कहते हैं? Our next point is in the sense of greater importance and quality. Okay, किसी चीज को importance देना, यानी कि भाई आज अगर मैं बोलूं कि मैं truth को importance देता हूँ as compared to other thing, मैं character को importance other than anything, मैं particular work को importance other than anything else, मैं time को importance देता हूँ other than anything else, तो आप देखो कि importance आप किसको देते हो, एक soldier किसको importance देगा, तो मैंने एक अच्छा example दिया आपके लिए, a soldier values honor above life, तो आप notice में रखो कि soldier values what? Above life, life से भी ऊपर वो honor किसको देता है? वो honor देता है values को. तो यहाँ जैसे words पे ऐसे words के लिए हम above use करेंगे. जब हमें sense of greater importance दिखाना हो, greater superiority दिखाना हो, हमें beyond the reach दिखाना हो, हमें particularly इस तरीके की चीजें दिखानी हो, जिसमें हम किसी से above दिखा रहे, मगर 90 degree नहीं. प्रिया मैं अपने audience को एक बात suggest करना चाहूँगा और simple way में इनको समझाना चाहूँगा. क्योंकि जो भी मैंने अभी इनको बोला है, शायद इसकी वजह से इनको problem आ रही हो. पर अब जो मैं इनको समझाने जा रहा हूँ, वो शायद बहुत इजी हो जाएगा. तो प्रिया देखो, मैं अगर एक आपको फ्रेम देता हूं और मैं कहता हूं प्लीज प्लेस इट अबव द बोर्ड, और मैं आपको बोलता हूं प्लीज प्लेस दिस फ्रेम ओवर द बोर्ड, दोनों ही सही है? यस सर. एग्री करती हो? अब एक बात सुनिए, अब ये प्रिया ने इस बात को एग्री किया कि सर दोनों ही सही है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है. आपको कैसे, दोनों कैसे सही हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैं प्रिया को ये बात बोलता हूं कि इस फ्रेम को इस बोर्ड के ऊपर लगा दो, अबाउ दिस बोर्ड ओवर दिस बोर्ड, अब आप कहेंगे सर ये सही कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि प्रिया इसको एग्जैक्ट लगाती है या इधर लगाती है, इधर लगेगा तो ऊपर ही. मैंने बोला क्या, मैंने बोला ऊपर लगा दो, मैंने कोई 90 डिग्री कोई परपेंडिकुलर कुछ भी कोई जस्टिफाइड ज्योमेट्रिकल वे में नहीं बोला है, मैंने डायरेक्ट इसको बोला इसको ऊपर लगा. यू कैन यूज अ बोथ वर्ड्स. तो देखो बहुत जगह ऐसी होगी. मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रेंड. आप घर पे सो रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, अचानक आपने एक लिजर्ड देखी और आपका बेटा बोलता है फादर द लिजर्ड इज अबव योर हेड, द लिजर्ड इज अबव योर हेड ओवर योर हेड, दोनों ही सही है क्यों प्रिया? दोनों सही है. तो देखो फ्रेंड्स यहां पर दोनों सही है. आप कहेंगे सर दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दोनों इसलिए सही है स्टूडेंट्स क्योंकि आपके ऊपर है ना, आपने तो आपके नहीं किया एग्जैक्ट आपके ऊपर, मगर एक आइडिया आप ले रहे हैं कि मेरे ऊपर, यहां तक ऊपर तक सीमित के लिए आप बिल्कुल सही हैं. तो आप कई बार नोटिस करोगे जितने भी बुक्स के अंदर राइटर्स हैं वो इतने डिटेल में कभी भी नहीं समझाते, वो बहुत सी लाइंस के अंदर जहां ओवर लगाना है वो अबव लगा देंगे और जहां अबव लगाना है वो ओवर लगा देंगे. इतनी ज्यादा डेप्थ में हर कोई नहीं जाता है फ्रेंड्स. मेरा मानना है कि अगर आप इतनी डेप्थ में जाते हैं और किसी राइटर को देखते हैं जिसने अबव भी लिखा है ओवर भी लिखा है या कभी ओवर लिखा है, तो आप हर किसी को गलत ना करिए क्योंकि कुछ लाइंस के अंदर दोनों ही सही होते हैं. अब मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, लिजर्ड वाला फ्रेम वाला जो मैंने आपको प्रिया को बोला कि प्रिया इसको ऊपर लगा दो, तो दोनों ही सही है क्योंकि मेरा मकसद यहां पर ऊपर तक सीमित है. मेरा मकसद एग्जैक्ट और एग्जैक्ट और कोई बात से सीमित नहीं है. मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने लगा तो पर्टिकुलर अबव लगेगा, मैं कोई 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं शो कर रहा है ऑन द पर्टिकुलर हेड के ऊपर नहीं शो कर रहा इसलिए ओवर नहीं लगेगा. तो ये डिपेंड करता है आपको कि आप कौन सा पॉइंट लेते हैं. मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट ऑन के ऊपर आऊं, इससे पहले प्रिया आपसे रिक्वेस्ट करेगी कुछ सब्सक्रिप्शंस की, कुछ कमेंट्स की. सो प्लीज आप हाफ मिनट प्रिया को दे सकते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. थैंक यू सो मच गाइस हमारा लेक्चर सुनने के लिए, और इसको पूरा जरूर सुनना क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है. इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन राइट इन आवर कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू अ फ्रूटफुल आंसर. प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर. थैंक यू. सो फ्रेंड्स देखिए अब जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और एक पर्टिकुलर वर्सेस लिखा है हमने ओन वर्सेस ऑन द टॉप ऑफ. प्रिया क्या लगता है आपको ये जो ओन वर्ड है ये मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता है है ना, बड़ा कॉमन है, और ओन और अपॉन शायद प्रेपोजिशंस मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आते होंगे. अगर आपको लगता है सर हमें सारे प्रेपोजिशंस सीखने हैं, ए टू जेड प्रेपोजिशंस हमें सीखने हैं, तो मैं आपको लास्ट में एट द लास्ट ऑफ द वीडियो एक पर्टिकुलर क्लिपिंग दूंगा स्टूडेंट्स. वो लेक्चर बहुत बड़ा होगा, कम से कम 40 मिनट्स का लेक्चर अप्रोक्सीमेटली होगा वो लेक्चर. वो आपको ओवरऑल बेस्ट बना देगा प्रेपोजिशंस के अंदर, उसको देखना ना भूलना. ओन अपॉन अबव व्हाटएवर बिसाइड बिसाइड्स हर टॉपिक आपका क्लियर कर देगा.
अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो इंटरेस्टिंग है, छोटा है और मुझे लगता है हमें कवर अप कर लेना चाहिए। जैसे आपने ओवर और अबव सीखा उसी तरीके से हम ऑन और ऑन द टॉप ऑफ सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑन और ऑन द टॉप ऑफ को आपको सिखाने के लिए एक बात कहूंगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने प्रिया को एक बुक दी और प्रिया को बोला प्रिया इसको प्लीज टेबल पे रख दो, तो हम क्या बोलेंगे? हम सिंपल बात बोलेंगे, प्रिया प्लीज कीप इट ऑन द टेबल, राइट? इतनी सिंपल बात ही हम बोल रहे हैं कि टेबल पे रख दो, कीप इट ऑन द टेबल, इजंट इट? अब प्रिया ने बुक तो रख दी एक, अब मैं प्रिया को बोल रहा हूं कि प्रिया आप और बुक्स लीजिए और वो जो बुक है उस बुक के ऊपर रख दो ताकि टेबल के ऊपर रखी जाए। आया समझ आपके? यानी कि उस टेबल के ऊपर जो बुक्स है उसके ऊपर रख दो, इस तरीके की वर्डिंग के लिए। प्रिया विल यू रीड फॉर मी? यस सर, पुट द बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स ऑन द टेबल। सी फ्रेंड्स, ओन वर्ड यूज हो गया बड़े सिंपलिसिटी में, मगर किसी चीज के ऊपर अगर आपको रखना है, देखो नोटिस करो, पुट द बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स, ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स यानी कि जो बुक्स मैंने प्रिया को दी उनके ऊपर ये किताबें रखो ऑन द टेबल। तो इस तरीके की वर्डिंग्स के लिए आपको इस तरीके की लाइन यूज करनी है। आज के बाद अगर कभी आपको ऑन द टॉप ऑफ द मिल जाए तो आप घबराना मत, आपको मालूम होना चाहिए कि पाइल्स के ऊपर पाइल्स के ऊपर पाइल्स के ऊपर पाइल्स आपके ऊपर अगर आ रही है तो डेफिनेटली यू विल यूज द वर्ड ऑन द टॉप ऑफ। आपको एक बढ़िया एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा यहां पर। देखो फ्रेंड्स, यहां पर एग्जांपल है, ऑन टॉप ऑफ ऑल माय अदर प्रॉब्लम्स आई हैव अ न्यू बॉस टू डील विद। तो देखिए, ऑन टॉप ऑफ ऑल माय अदर प्रॉब्लम्स, तो देखो यहां पर भी मैंने अपनी नंबरिंग करी है प्रॉब्लम्स की। मेरे पास एक प्रॉब्लम, मेरे पास दो प्रॉब्लम, मेरे पास तीन प्रॉब्लम है और मैंने नंबरिंग करके पाइल्स के ऊपर पाइल्स लगाई और मैंने ऐसा एज्यूम किया कि ऑन द टॉप ऑफ वर्ड यूज हो रहा है। तो यहां पर मैंने वर्ड यूज किया ऑन टॉप ऑफ ऑल माय अदर प्रॉब्लम्स, इसका मतलब जरूर मेरी प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम है, तभी मैंने ये वर्ड यूज किया ऑन द टॉप ऑफ ऑन टॉप ऑफ ऑल माय अदर प्रॉब्लम्स, राइट? इस लाइन को हम इन एडिशन टू भी यूज कर सकते हैं, क्यों प्रिया? In addition to all my other problems, I have a new boss to deal with. In addition to गलत नहीं है, मगर depend करता है किस line पर आएगा, हर line पर नहीं आ सकता। आप ऐसा मत assume करना कि on the top of दिखा आपको आप end addition, ऐसा मत लगाना, ठीक है? But हाँ, you can use provided depends on the type of line. तो मेरे ख्याल से on the top of आप clear हो चुके होंगे कि on तो simple है, on the top of के ऊपर के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने चार टॉपिक्स अभी तक कवर किए, द वन इज वर्ड ओवर, अनदर इज अबव। मेरे ख्याल से आप इस कंपैरिजन को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ ऑन और ऑन द टॉप ऑफ ये टॉपिक भी आप समझ गए। आप कहते हैं नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे लगता है ये चार टॉपिक से मेरा काम नहीं चलेगा, मैं तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मुझे तो स्पीकिंग सीखनी है, मुझे कुछ भी एक्सपेक्ट, वॉट एवर यू आर, अगर आपको लगता है सर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत सीखना चाहता हूं, मैं लास्ट वाला क्लिपिंग आपको एक प्रेपोजिशन का पूरा पार्ट देने वाला हूं और उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक एक प्रेपोजिशन को बेस्ट वे में समझाया, आप उसको गो थ्रू करना। हम बस आप इससे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप उस पर्टिकुलर लेक्चर को देखो जो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं 40-50 मिनट्स का लेक्चर है, आप प्लीज उसको सीरियसली लेना, उस समय आपके पास एक कॉपी पेन जरूर हो ताकि आप उस बात को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि मेरे बच्चों की तरह बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाए। प्रिया मुझे लगता है मेरा ऑडियंस प्रपोजिशंस के अंदर बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे और शायद ये पर्टिकुलर डेमोस्ट्रेशन भी मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम याद देना चाहेंगे फ्रेंड्स आपसे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस नाइसली, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।